बेटा, हम और आप जानते हैं, अमेरिका के लॉस एंजेलस से एक अवार्ड दिया जाता है, संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया में माना जाता है, जिसको कहते हैं ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए जो दिया गया है, उसमें हमारे एक भारतीय मूल के बैंगलोर बेस्ड व्यक्ति, जो अमेरिका में ही पैदा हुए पर इंडियन डियास्पोरा कहलाएंगे, उनको भी उनके गाने के लिए मिला है, उनके संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। पिछले साल भी मिला था, लगातार दूसरी बार मिला है, और 2015 में भी मिला था, 2022 में भी मिला था, 2023 में मिला। कुल मिला के 3 बार इन्हें मिला है। रिकी केज, हम और आप सब जानते हैं, आइए बात करते हैं। भारतवंशी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन डियास्पोरा, रिकी केज ने जीता 3रा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड लॉस एंजेलस कैलिफोर्निया की राजधानी से दी जाती है। ये पूरी दुनिया के संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, और हमारे भारतवंशी संगीतकार रिकी केज को 3रा जो है मिला है। उनका एल्बम जो है डिवाइन टाइडस ने बेस्ट इंप्रेसिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीत लिया है। रिकी ने इसे भारत को समर्पित किया है। वहीं पॉप सुपरस्टार बियॉन्से ने जीवन का 32वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो बियॉन्स जो है, बियॉन्से 32वां अवार्ड जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड ब्रिटिश सिंगर हैरी स्टाइल्स के हाथों गंवाना पड़ा। यानी कि एल्बम ऑफ द ईयर जो ग्रैमी अवार्ड मिला है, वो ब्रिटिश सिंगर हैरी स्टाइल्स को मिला है, ठीक है, पर 32 अवार्ड जीत के बियॉन्स सबसे ज्यादा है। अब तक के अपने लाइफ में 32 ग्रैमी अवार्ड जीता है, और हमारा जो रिकी केज है वो 3रे जीते हैं। संगीत के क्षेत्र में दुनिया की प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका में जन्मे बैंगलूर बेस्ड मूल निवासी संगीतकार रिकी केज हैं। प्रतिष्ठित ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ पुरस्कार इन्होंने साझा किया है। उन्होंने एल्बम में केज के साथ सहयोग किया था। केज ने पिछले वर्ष भी बेस्ट न्यूज एल्बम श्रेणी में आए थे, और 2015 में भी उन्होंने जीता था। कुल मिला के ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल एंड सोबर। अब एक नई बात है, ईरान की सिंगर शेरवीन को भी मिला ग्रैमी अवार्ड। ईरान बड़े चर्चा में रहा है, आप भी जानते हैं, महसा अमीनी को लेकर। ध्यान देंगे, ईरानी सिंगर शेरवीन को भी मिला ग्रैमी अवार्ड। कई बार जेल का सामना करने वाले 25 वर्षीय ईरानी सिंगर शेरवीन हाजीपोर के गीत बराए को ग्रैमी के सोशल चेंज स्पेशल मेरिट अवार्ड मिला है। इसके इस गीत बराए को सोशल चेंज स्पेशल मेरिट अवार्ड के कैटेगरीज में ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये गाना कैसे सोशल चेंज किया, ध्यान दे, यह वही गीत है जो ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद नकाब के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, वो एक तरह से राष्ट्रीय गान बन गया था। हर जगह यही गीत चलाए थे, बराए बराए। तो इसके लिए मिला, ये सवाल बनेगा बनेगा बनेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।